चुनावी माहौल में सिटी वन इस दौरान लोगों की आम समस्या को जानना चाहा, जिससे कि मतदाता रोज दो चार हुआ करता है। सिटी वन ने अपने एक विशेष कार्यक्रम बोले तो गोरखपुर के तहत लोगों के आवाज को सियासत के हुक्मरानों तक पहुंचा दिया। आइए देखते हैं बोले तो गोरखपुर। गोरखपुर बोले तो गोरखपुर में हम लगातार बात कर रहे हैं कि चुनावी मुद्दों पे, चूँकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और हम लोगों की लगातार प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि लोग किन मुद्दों पे वोट देंगे। हमारे साथ कुछ लोग आज खड़े हैं, आइए हम जानते हैं कि किन मुद्दों पे वो वोट देंगे, क्या वजह है वोट देने के लिए, कौन पहली बार कर रहा है, कौन तीसरी बार कर रहा है। तो क्या नाम है भाई? सुमित मोहर। सुमित मोहन जी, सुमित मोहर जी, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? मैं इस मुद्दे पर वोट करूंगा जो आतंकवाद के खिलाफ हो। अभी मुद्दा चल रहा है राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोध, तो क्या ये भी एक मुद्दा होगा चुनाव में वोट देने? जी, नरेंद्र मोदी जी हमारे राष्ट्रभक्त हैं, बाकी जितने आप देख ही सकते हैं राष्ट्र विरोधी हैं। जो पाकिस्तान सोचता है वही वो भी सोचते हैं, तो आप में और पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति मोदी जी हैं जो बस भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं है, वो देश को बनाना चाहते हैं और मोदी जी हमको लगता है बेस्ट हैं, वही जीतेंगे। क्या स्थानीय नेता मायने नहीं रखता है कि सिर्फ मोदी जी को देख के वोट करें? नहीं, स्थानीय नेता बहुत मायने रखता है और नेता हर जगह हैं, सब बढ़िया अपना काम करते हैं और मोदी जी का नाम, मोदी जी ब्रांड है भारत के, इसलिए मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे। बन रही हैं, एम्स बन गई हैं, मिलें चालू हो गई हैं, फर्टिलाइजर चालू हो रहे हैं और गोरखपुर को जो चाहिए वो सब मिल रहा है। हम लोग के लिए विकास मायने रखता है। गोरखपुर का एक अलग, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मतलब जो कैंडिडेट लड़ रहा है वो बाहर से बुलाया गया है, तो क्या उस पर आप वोट देंगे? जी, हम मोदी जी को देख के वोट देंगे, क्योंकि हम वोट देंगे तो मोदी जी को जाएगा, मोदी जी चुने जाएंगे और देश के विकास के लिए होगा। क्या मुद्दे होंगे आपके वोट देने? बहुत से मुद्दे हैं हमारे, जो कि पहला तो मुद्दा है कि मोदी जी जो है राष्ट्र भक्त हैं एकदम से, और मोदी जी जब से आए हैं तब से हमारे देश का चौमुखा विकास हुआ है, रोड बन रहे हैं, हमारे देश का जो विश्व में नाम हुआ है, आज तक कभी ऐसा नाम नहीं हुआ था हमारे विश्व में। इस समय मोदी बनाम पूरा विपक्ष हो गया है, भाजपा बनाम विपक्ष नहीं है, मोदी बनाम पूरा विपक्ष हो गया है, तो क्या मुद्दे होंगे आपके वोट देने? सबसे पहला मेरा मुद्दा है चौमुखी विकास, जो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। जो आवागमन, जो पहले की सरकारें थी जो इस पर ध्यान नहीं देती थी, मोदी जी जब से आए हैं ये सब चीज़ों के लिए बहुत विशेष तरह से टेक्नोलॉजी तरह तरह के वो कर रहे हैं। जो चीज़ें हम बाहर से मंगाते थे वो हमारे स्वदेश में निर्माण हो रहा है और इससे हमारे रोजगार के भी अवसर बढ़ रहे हैं, यही हमारा मुद्दा है वोट देने का। क्या आपको लगता है कि 5 सालों में विकास हुआ है? अब आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सबको ये सूचित करना चाहूँगा, हमारे गोरखपुर में आप देख लें या पूरे पूर्वांचल में, प्रदेश में या पूरे राष्ट्र में, विकास ही विकास हुआ, विकास के अलग कुछ भी नहीं हुआ। और ये विकास की ही ताकत है कि आज पूरा विपक्ष, जो एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे, एक दूसरे के प्रति बहुत ही घृणा रखते थे या एक दूसरे के प्रति हर छोटे बड़े आरोप को ऐसे बनाते थे जैसे कि कितना बड़ा, एक दूसरे में उन लोग को आपसी एक जलन की भावना थी। आज अगर वो सब एक मंच पे आए हैं तो इसकी देन है केवल मोदी जी। सालों में देश की तरक्की हुई है, लोग आगे बढ़े हैं, विदेशों में नाम हुआ है और कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पे भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और योगी जी ने काफ़ी विकास आगे बढ़ाया है। जी, बहुत ही मतलब इन्हीं मुद्दों पर मतलब आप वोट देंगे? जी बिल्कुल, इन सभी मुद्दों पर ही युवा उनको वोट करेंगे, क्योंकि ये विकास का ही तो नतीजा है कि आज गुंडागर्दी गायब है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, स्किल इंडिया की बात होती है और आपको ये स्वावलंबी बनने की बात होती है। आज एयरक्राफ्ट हमारे वहाँ बन रहे हैं, सब कुछ हमारे देश में ही निर्मित हो रहा है, हम लोगों को सुविधा उसकी मिल रही है और ये विकास की ही भावना है कि आज चाइना भी हमसे कहीं ना कहीं अब हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। बाकी वही चाइना हुआ करता था जो पहले हम लोगों को कुछ भी नहीं समझता था, भारत को हमेशा वो दबाने का कार्य करता था, लेकिन आज वही चाइना है। चाहे डोकलाम मुद्दा हुआ या फिर जो भी मुद्दे हुए, अभी ये मसूद अजहर का ही मुद्दा हुआ, उनको समर्थन करना पड़ा भारत का, अगर वो नहीं समर्थन करते तो आर्थिक स्थिति भारत उनकी पूरी तरह ध्वस्त नष्ट कर देती। तो बोले तो गोरखपुर में हमने आज कुछ लोगों से बात की और कहीं ना कहीं अभी लहर बीजेपी की तरफ चल रही है और लोगों ने विकास के नाम पे और विदेशों में विदेश नीति जो रही है और स्थानीय मुद्दे में भी जो विकास हो रहे हैं उन्हीं मुद्दों पर वोट देने का मन बनाया हुआ। बैजू गुप्ता, कैमरा पर्सन रूपेश के साथ, सिटी वन के लिए।